हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुकिंग स्टेशन अराउंड द किचन। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक सा है एंड इट्स स्पेशली फॉर बिगनर्स एंड हु आर न्यू इन किचन। तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हाउ यू कैन स्टोर टोमेटोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड बेसिकली फ्रिज एक ऐसी जगह है जहाँ पर टमाटर रखना एक बहुत बड़ी जगह लेता है। तो इफ यू हैव अ फ्रीजर जिसमें स्पेस बहुत ज्यादा है तो यू कैन यूज इट फॉर दैट बेसिकली। तो यहाँ मैंने कुछ टोमेटो यूज किए हुए हैं एंड लाइक बहुत ज्यादा, मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा है, आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ कैन यू यूज देम फॉर लॉन्ग। तो मैंने यहाँ पर जो टोमेटो लिए उनको पहले अच्छे से धो लें एक बारी। आप इसके लिए विनेगर यूज कर सकते हैं, कई बारी वेजिटेबल सोप भी आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं अगर टमाटर ज्यादा गंदे हैं तो, क्योंकि स्टोर करने से पहले मेक श्योर कि वो अच्छे से क्लीन हो, क्योंकि अगर आप एक बार उनको स्टोर कर देंगे उसके बाद उनको वॉश नहीं कर सकते हैं। तो धो लें और उनको अच्छे तरीके से सुखा लें। अब बात क्या है कि टमाटर आप 2 से 3 दिन तक आराम से उनको फ्रिज में भी फ्रेश रख सकते हैं, जितना आपके फ्रिज में जगह हो उतना आप बाहर रख लें, बाकी को हम प्रिजर्व करेंगे, यानी कि फ्रीजर में रखेंगे हम उनको। तो मैं उनको 3 तरीके से रखूंगी जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। पहला है कि मैं नॉर्मली जो छोटे साइज के टोमेटो होते हैं और कभी कभार इन टोमेटो को हम प्यूरे बना सकते हैं और उस तरीके से, तो मैं इनको साझा ही होल टोमेटो को स्टोर करूंगी एंड उसका जो कोर होता है, जो बीच का जो भाग होता है, इसे हमें नहीं खाना चाहिए, तो बस उसको हटा दें और इसको मैं बीच में साइड में स्लिट कर रही हूँ। आप चाहें तो क्रॉस भी बना सकते हैं, मैं नॉर्मली एक साइड में ही स्लिट लगा रही हूँ। एंड जितने भी टोमेटो आपको करने हो उनको आप एक पॉली बैग में, और अगर आपके पास जिपलॉक बैग नहीं है तो नॉर्मल जो एक बैग आते हैं प्लास्टिक के, आप उसमें भी रख सकते हैं, बट इफ यू हैव अ जिपलॉक बैग वन ऑफ द बेस्ट है वो। और इनको हम स्टोर कर देंगे जब तक ये बिल्कुल के जम ना जाए। उसके बाद सेकंड है, ये भी सेम ही है, इसको भी हमें फ्रीज ही करना है, बट क्या होता है कभी कभार हमें थोड़े टमाटर की जरूरत होती है या फिर टमाटर साइज में बहुत बड़ा है, तो उनको क्या करेंगे हम 4 भाग में काट लेंगे, और अगर काफी बड़ा टमाटर है तो आप उसको अपने लाइक डिसेंट साइज जैसा आपको चाहिए हो आप उस तरह से उसको कट कर लें। एंड कोर मैंने इसके निकाल दिए हैं और अब हम इसको पहले फ्रीज करेंगे, उसके बाद हम स्टोर करेंगे। तो एक फ्रीजर सेफ प्लेट लेकर के मैंने उसमें उसको फैला दिए हैं एंड इसको हम कवर करेंगे। अगेन I'll tell the same thing कि हम कवर करते हैं, पहली बात किसके अंदर एयर इन आउट ना हो, पहली बात बर्फ ना जमे इसके ऊपर और स्मेल ना आए इसके अंदर, तो मेक श्योर कि आप इसको कवर कर दें। तीसरा जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये है कि कई बार जब हम सब्जियों में प्यूरे डालते हैं तो हम बनाएंगे पहले प्यूरे टमाटर की। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, टमाटर को नॉर्मली मिक्सी में डालते हैं, पीसते हैं और सब्जी में डाल देते हैं, बट व्हेन यू हैव टू प्रिजर्व इट ऑब्वियसली यू हैव टू बॉइल फर्स्ट। तो हम टमाटर के पीसेस कट करके इसको पहले बॉइल करेंगे एंड इफ यू वॉन्ट बॉइल करते टाइम आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, बट मैं नमक नहीं डाल रही हूँ इसमें, जस्ट नॉर्मल एक पैन में टमाटर शिफ्ट कर दूंगी एंड बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, जस्ट मैंने 2 to 3 tablespoons पानी डाला हुआ है, दैट्स इट। एंड हम इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए उबलने देंगे जब तक ये हल्का सा मशी हो जाए। एंड जैसे ही हो जाएगा ये पूरा गल जाएगा, टमाटर ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसकी एक प्यूरे बना करके रेडी कर लेंगे। अगर आप इस तरह से प्यूरे बना करके रखते हैं तो ये काफी लंबे समय तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, स्मेल नहीं आएगा और दूसरा कुकिंग प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो मैंने ये ट्रे फिल कर ली है, ये आई नो क्यूब्स इसके बहुत छोटे छोटे हैं, मेरे पास यही ट्रे अवेलेबल थी। आपके पास अगर बड़े खाने वाली ट्रे है तो आप वो यूज कर लें, या फिर आप कटोरियां जो आती हैं उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। एंड सेम इसको भी हम क्लिंग पेपर से रैप कर देंगे और वही 6 से 8 घंटे तक हम इसको भी फ्रीज कर लेंगे जब तक इसके बर्फ के टुकड़े बन करके रेडी ना हो जाए। तो तीनों चीजों को मैं जमने के लिए रख दे रही हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे ये किस तरीके के जम करके बाहर निकलते हैं। तो 8 घंटे हो गए, 8 से ज्यादा ही घंटे हो गए हैं बेसिकली, और आप देख सकते हैं सब में बर्फ जम गई है, बहुत अच्छे तरीके से टोमेटो हो गए हैं। एंड आप देख सकते हो जब आप इसको सरफेस पर रखोगे टोमेटो को तो इट्स जस्ट लाइक अ स्टोन। एंड हम इसमें स्लिट इसीलिए करते हैं कि जब हम इनको फ्रीज कर रहे हो तो टमाटर फटे नहीं, पहली बात, और दूसरी बात जब आप इसको यूज करेंगे तो ये पीर अच्छे से आसानी से हो जाएगा। तो जो साझे वाले जो होल टोमेटो हैं आप उनको उसी तरीके से सेम तरीके से आप रख सकते हैं जिपलॉक बैग में ही, और अगर नहीं तो आप एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। उसके बाद जो सेम चंक्स हैं वो भी, इनकी भी कंडीशन यही हो गई है,
जम गए हैं अच्छे से, इनको भी या तो आप बॉक्स में कर दें शिफ्ट, और मैं इनको जो जिपलॉक बैग है इसी में करूंगी। मुझे ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, जगह भी कम लेता है एंड क्लीनिंग वाला भी प्रोसेस एक हद तक बच जाता है, क्योंकि जैसे ही यूज हो जाए आपका टमाटर में से खत्म हो जाए बैग को आप थ्रो कर दें। एंड क्यूब्स भी जम गए हैं बिल्कुल आइस क्यूब्स जैसे हो गए हैं, इनको भी शिफ्ट कर देंगे एक जिपलॉक बैग में। एंड वेन एवर यू हैव टू मेक समथिंग करी और कुछ भी ग्रेवी, तो जस्ट आपको क्यूब निकाल करके उसमें डाल देने हैं आपकी ग्रेवी के अंदर। तो ये हो गए, ये तीनों चीज बन करके रेडी हैं। एंड जब भी आपको इस टोमेटो को यूज कर रहे हैं, व्हाट यू ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट नॉर्मल थ्रो इट ऑन द प्लेटफॉर्म, जस्ट आप उसको छोड़ दो ऐसे ही, या फिर सेकंड उसका तरीका है कि आप माइक्रोवेव में 10 टू 15 सेकंड के लिए रख दो। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो उबलते हुए पानी में आप उसको 5 मिनट के लिए रख दो, तो उससे भी आपका जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और आप जो आइस क्यूब्स जो हमने प्यूरे के बना करके रखे हैं इसको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके के हो गए हैं एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप इन टोमेटो को आराम से 3 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं। मेक श्योर फ्रीजर आपका क्लीन होना चाहिए। तो यस, इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। एंड यस, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स वेर एवर यू वॉन्ट टू शेयर। एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज इन द फ्यूचर, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग। बाय बाय।